हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडीयू हेल्प में। एमडीयू की तरफ से पीजी कोर्सेज की काउंसलिंग को लेकर दो नोटिस जारी किए गए। जिन भी स्टूडेंट ने पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप किया था, उनकी काउंसलिंग को लेकर दो नोटिस जारी किए गए हैं। कौन कौन से नोटिस रहेंगे देख लेते हैं। उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे एमडीयू से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहला नोटिस यहाँ पर आप देख सकते हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की राजनीति विज्ञान विभाग में विभाग तथा संबंध महाविद्यालयों में MA राजनीति विज्ञान में प्रवेश के लिए 5 सितंबर को आयोजित की जाने वाली एडमिशन काउंसलिंग आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। कुलसचिव प्रोफेसर गुलशन लाल तनेजा ने बताया कि MA राजनीति विज्ञान विषय की एडमिशन काउंसलिंग का रिवाइज शेड्यूल जल्द ही विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। क्या पता है दोस्तों, MA पॉलिटिकल साइंस में जिन भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनकी जो एडमिशन काउंसलिंग है वो पोस्टपोन कर दी गई है, जो 5 सितंबर को थी। इसका जो नया जो शेड्यूल है काउंसलिंग का, वो जल्द ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। मैं आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखा देता हूँ जो MD की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। MA पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने कैंपस में एडमिशन लिया है, फिर अफिलेटेड किसी कॉलेज में MA पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में एडमिशन लिया, प्रोग्राम में एडमिशन लिया, ठीक है दोस्तों, जिनकी काउंसलिंग 5 सितंबर को थी उनकी पोस्टपोन कर दी गई है काउंसलिंग, ठीक है दोस्तों। रिवाइज काउंसलिंग, इसका जो नोटिस है, इसका जो शेड्यूल है, वो जल्द ही जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाएगा, www.md.ac.in, इस वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल MA पॉलिटिकल साइंस के प्रोग्राम में जिन भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, चाहे कैंपस से चाहे अफिलेटेड कॉलेज से, उनकी जो काउंसलिंग है वो पोस्टपोन कर दी गई है। MDU की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। अब दूसरा नोटिस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी जो कोर्सेज हैं उनकी काउंसलिंग कब होगी। ये देखिए दोस्तों, दूसरा नोटिस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 हेतु विभिन्न स्नातकोर PG पाठ्यक्रमों तथा LLB 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया के तकनीकी पहलुओं बारे जानकारी देने के लिए आज विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभागों के अध्यक्ष तथा शिक्षकगण शामिल हुए। मदवी के DN एकेडमिक अफेयर से प्रोफेसर नवरत्न शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 5 सितंबर का प्रथम प्रवेश सूची जारी की जाएगी। पहली प्रवेश काउंसलिंग में मेरिट सूची में प्राप्त स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 6 सितंबर को संबंधित विभाग में रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश पाने की सूरत में 7 सितंबर तक फीस भरनी होगी। प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रवेश प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करेंगे। निदेशक यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर UCC डॉक्टर GP सरोहा ने प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित प्रवेश पोर्टल की तकनीकी जानकारी साझा की। इस बैठक में DN कॉलेज डेवलपमेंट काउंसलिंग प्रोफेसर एस मान तथा प्रवेश नोडल अधिकारी प्रोफेसर राहुल ऋषि विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में UTD विभागाध्यक्ष तथा निदेशक शामिल हुए। यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं, ये मीटिंग हुई थी, ठीक है दोस्तों। इसमें बताया कि जो PG प्रोग्राम में जिन भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, ठीक है दोस्तों, इंक्लूडिंग LLB का जो आपका 3 साल का जो कोर्स है, उनकी जो पहली मेरिट लिस्ट है वो कब लगेगी, 5 सितंबर को लगेगी, ठीक दोस्तों। उसके बाद जिन भी स्टूडेंट का पहली मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, उनको 6 सितंबर को अपने विभाग में रिपोर्टिंग करनी, ठीक दोस्तों, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आपको जाने हैं, और 7 सितंबर को आपको अपनी फ़ीस पे करनी है। मैं जो ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस है MDU का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, एडमिशन प्रोस्पेक्टस के अंदर आप देख सकते हैं, जो आपकी पहली एडमिशन काउंसलिंग कब रहेगी, 5 सितंबर को। जो आपकी पहली जो मेरिट लिस्ट है वो आपको एडमिशन पोर्टल पर चेक करनी है। पहली मेरिट लिस्ट आपकी 5 सितंबर को लगेगी। 6 तारीख को आपको रिपोर्टिंग करनी है अपने डिपार्टमेंट में, जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया है, जिस भी जहाँ पर भी आपने एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप किया था, चाहे आपने कैंपस के लिए फॉर्म फिलअप किया है, फिर MDU से रिलेटेड किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप किया है और आपका नाम किसी भी कॉलेज में आया, तो वहाँ पर आपको जाना, ठीक है दोस्तों, अपने डिपार्टमेंट में, वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। उसके बाद 7 तारीख को अपनी जो फीस आपको जमा करवानी है, ठीक दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट का पहले ही मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, उनको अपनी फ़ीस 7 तारीख को जमा करवानी है। 4 तारीख को डॉक्यूमेंट आपको अपने जमा करवा के आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो चेक करवा लेने हैं, ठीक दोस्तों। पहली मेरिट लिस्ट में जिन भी स्टूडेंट का नाम है उन सभी को 6 तारीख को जाना है अपने डिपार्टमेंट में, 7 तारीख को फ़ीस जमा करवानी है, और 5 तारीख को आपकी जो पहली मेरिट लिस्ट लगेगी, जो आपकी एडमिशन काउंसलिंग है वो 5 तारीख को रहेगी। MA पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो पोस्टपोन कर दी गई, ठीक है दोस्तों। उनकी मेरिट लिस्ट अभी नहीं आएगी, उनका अलग से शेड्यूल आएगा, 1 से 2 दिन में उनका शेड्यूल भी आ जाएगा।
बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया, पीजी कोर्स में, कोई भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया, किसी भी कॉलेज के लिए आपने एडमिशन फॉर्म फिलअप किया है, फिर कैंपस के लिए फॉर्म फिलअप किया है, तो आपकी पहली मेरिट लिस्ट 5 सितंबर को आएगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, 6 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, 7 तारीख को आपको फ़ीस जमा करवानी है। काउंसलिंग के रिगार्डिंग, मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग या फिर और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोनों ही नोटिस को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे ही डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।